समाचार में आपका स्वागत है और आज हम आपके लिए खुलासा करने वाले हैं एक बेहद सनसनीखेज खबर का। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम इस समय खड़े हैं दिल्ली के मशहूर भार्गव कोचिंग क्लासेस के बाहर, लेकिन शायद आप ये नहीं सोच सकते कि इस विद्या के मंदिर के बाहर हम एक रेप केस का खुलासा करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है इस रेप केस की डिटेल्स। ऐसा है मैडम, चंदन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। बचपन का दोस्त है मेरा, करना तो दूर, वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। वेरी नाइस फैमिली, पूरी फैमिली को जानता हूँ मैं, और चंदन को तो मैंने इतने बड़े से गोद में खिलाया है जी, वो रेप करेगा? ना जी ना, मैं नहीं मानता हूँ, नॉट पॉसिबल। आई एम सॉरी, देखिए मैं भी कुछ कह नहीं सकता, प्लीज प्लीज। मेरा बेटा रेपिस्ट नहीं है, मेरा बेटा रेपिस्ट नहीं है। जैसे कि आपने देखा, हमने अभी बात करने की कोशिश की चंदन के घर वाले और पड़ोसियों से, लेकिन वो अभी कोई भी बयान देने की हालत में नहीं दिख रहे हैं। जी हाँ, ये मामला वही दिल्ली के हाई प्रोफाइल रेप केस का है। पहली गिरफ्तारी होने जा रही है और ये खबर हम पहुंचा रहे हैं आप तक सुप्रभात समाचार। ये ड्रामा बंद कर, अभी कांड करने से पहले सोचना चाहिए था, समझा? अब क्या यो बच्चों की तरह रो रहा है? देख बेटा, रेप केस में ना थाने पहुंचने से पहले तुड़ाई हो जाती है, तू शरीफ सा दिख रहा है, समझ गया? अब इंस्पेक्टर खान आने वाले हैं, वो जो भी पूछें चुपचाप बता देना, वरना जो 15 दिन पुलिस कस्टडी के है ना, वो बहुत भारी पड़ेंगे। देख बड़ा चंदन, ये केस है ना हाई प्रोफाइल है, क्योंकि विक्टिम जो है वो फॉरेनर लड़की है, ऊपर से प्रेशर है, 3rd degree 4th degree, किसी भी डिग्री तक जाने की छूट है हमें। बात समझ में आ रही है ना तुझे? इब सब तेरे पे डिपेंड करता है कि तू क्या कहता है, पर आज नो क्वेश्चन, आज तो तू सोच कि तू सच बोलेगा या नहीं। तो तू जानता ही है, तरीके तो बहुत आते हैं हमें, सोचन दे आज इसको। अरे भार्गव साहब, क्या भाभी जी आप रो रहे हो? अब प्रोफेसर साहब कहाँ हैं? अंदर ट्यूशन हॉल में, पता नहीं भाई साहब क्या नामचुना बातें करते जा रहे हैं वो। देखो भाभी जी, आप टेंशन मत लो, हैं? और हमने सारा जुगाड़ कर लिया है, ठीक है? अब प्रोफेसर साहब से बात करता हूँ मैं, बस आप रोना मत भाभी जी, ठीक है? बस प्रोफेसर साहब, अरे आप इतना उदास क्यों बैठे हुए हैं? अरे हम लोग है ना, अच्छा पुलिस जो कह देगी तो हम लोग मान लेंगे क्या? अब पुलिस केस को निपटाने के लिए किसी को भी फर्जी अंदर कर देती है और केस निपटा देती है, हमको अपने बच्चे पे भरोसा है। और देखो भार्गव साहब, एक काम करते हैं, एक वकील कर लेते हैं, वो मेरी पहचान की एक वकील है, नाम है सनाया सेठ, वो बहुत तेज तर्रार वकील है, और चुटकियों में बाहर निकाल लेगी बच्चे को। पीपी सिंह जी, एक बात सुन लीजिए, चंदन से अब हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा, बस।
अरे वेलकम वेलकम मैडम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑफिस में आपका। भाई मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप यो केस लड़ रही हैं। बड़ा बोरिंग सा केस हो रहा था, क्यों राणा? हाँ जी। पर आप आ गई हैं तो केस में इंटरेस्ट जरूर पैदा हो जाएगा। वैसे चाय तो लेंगी आप? चाय नहीं चंदन, चंदन भार्गव कहाँ है? चलिए आइए। Hi, I'm Shanaya. I'm your lawyer. हम पहले तुम्हारा statement record करेंगे, and then I'll start to prepare your case. चंदन, I know तुम stressed हो, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ, इसलिए look at me. तुम एक educated लड़के हो चंदन, इसलिए इस बात को समझो। इट्स अ रेप केस, और वो भी एक फॉरेन लड़की के साथ। ट्रस्ट मी, इट्स ब्लडी डैम सीरियस। मेरे लिए तुम्हारे केस की हर एक डिटेल जानना, सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। क्या बताऊं? वही जो तुमने अब तक किसी को नहीं बताया कि 15 अक्टूबर की रात को तुम कहां थे। कहाँ था शहजादा, ये जानना जरूरी है कि मैं जहां था वहां क्यों था। मैं बचपन से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, ऑलवेज अ टॉपर, हर क्लास हर एग्जाम में टॉप किया है मैंने। आईआईटी में एडमिशन के लिए एग्जाम दिया था मैंने, रिजल्ट आना बाकी है। आईआईटी में जाना सपना था मेरा, और फ्री टाइम में मैं अपने पापा की कोचिंग क्लासेस में लेक्चर्स देता हूँ 11th 12th और ग्रेजुएशन के बच्चों को। एक सेकंड, तुम्हारे पापा की कोचिंग क्लासेस और तुम्हारे आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम का उस रात से या उस रेप से क्या लेना देना है? रेप से नहीं, लेकिन केस से लेना देना है। भार्गव क्लासेस में एक लड़की आती थी, गिनी बग्गा, काफी सुंदर थी लेकिन बहुत नालायक, आई मीन स्टडीज में। गिनी 11th में थी पिछले 3 सालों से। क्लास के टाइम पे तो गिनी काफी शांत रहती थी, बिल्कुल चुपचाप, लेकिन क्लास ओवर होते ही गिनी का एक नया रूप सामने आता था। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास ओवर, और ये रहा आप सभी का होमवर्क, करके आना। Bye, एक्चुअली किन्नी और मेरा अफेयर चल रहा था, और इस अफेयर के बारे में किसी को भी नहीं पता था। किसी के साथ अफेयर होना, इट्स वेरी नॉर्मल। सो क्या रही हो? एक्चुअली हमें छुप छुप के मिलते हुए 3 महीने हो चुके थे, मतलब हमारे छुपे हुए रिलेशनशिप को, और किन्नी हमेशा इस बात को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती थी कि हम कभी कुछ करते नहीं थे। करते नहीं थे मतलब? मतलब वो नहीं करते थे। वो? मैम अब आप भी सब कुछ बुलवाओगे क्या? हम अब गिनी, वो आज मेरा मंगलवार का व्रत है, तू कल करें। अब गिनी आज थोड़ा टेंशन में हूँ, राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हूँ, फिर कभी। ओए
क्या हो गया मेरे भाई? इतना सैड एक्सप्रेशन लेके क्यों बैठा है? वो भी अकेला? कुछ हो ही तो नहीं रहा है, तभी तो यहाँ सैड बैठा हूँ अकेले। भाई तू ना सोच ज्यादा रहा है। इनफैक्ट तू तो मेरे भाई लकी है लकी कि लड़की करने के लिए तैयार है, वरना बाहर निकल के देख कि कैसे दिल्ली के लौंडे तड़प रहे हैं कि कोई लड़की देख के हंस दे। और तू भाई तेरी तो लॉटरी लगी है, लॉटरी। देख चंदन, इंसान चाहे ना तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। हेलो। हाय मीला बेबी, क्या कर रहा था? मीला बेबी, कहीं तुम्हारा मिलने का प्लान है क्या? हाँ, तुम्हें कैसे पता? वो जब भी तुम मीला बेबी मीला बच्चा करके बात करती हो ना, तो पक्का तुम्हारा मिलने का प्लान होता है। वाह, कितनी इंटेलिजेंट हो तुम। हाँ मिलना तो था, लेकिन आज का मिलना कोई रेगुलर मिलना नहीं है मीला बेबी। यू नो व्हाट, कुछ ही देर में मम्मी पापा बाहर जाने वाले हैं शादी में, वो भी पूरी रात। समझे? पूरी रात के लिए नहीं, समझा मतलब? ओफो, मतलब आज हम दोनों की फर्स्ट नाइट होगी साथ में। नहीं, शादी वाली फर्स्ट नाइट नहीं, उसमें तो अभी टाइम है, पर समझ गए ना। अब जल्दी से कोई सॉलिड सा बहाना बनाओ अपने घर पे और मुझे मिलो एग्जैक्ट 10:30 बजे। और सुनो, सुबह तक हम साथ में ही रहेंगे, ओके? हेलो गिनी, हेलो पापा तो नहीं है ना? हे भगवान, सामने इतनी हॉट लुकिंग गर्लफ्रेंड खड़ी है और तुम्हें मम्मी पापा की चिंता है? चलो अंदर, मिस्टर डरपोक। तो बता नहीं सकता कितनी मुश्किल से घर से बाहर निकला हूँ। सनी ने दुनिया भर के बहाने बना दिए थे मेरे लिए। वो तो कह रहा था मैंने ना तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है। गिफ्ट? आई मीन मेरा बर्थडे तो जा चुका है ना। टेबल पर है। खोल दरवाजा। डोंट पैनिक, तुम कहीं चुप जाओ, ठीक है? मैं देखकर आती हूँ। लेकिन चुपूंगा। अरे कहीं पर भी चुप, मुझे नहीं पता, मैं देख। गिन्नी, अरे सो गई क्या? मम्मी पापा, आप लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? और इतनी जल्दी कैसे आ गए? आ गए तो आ गए, जल्दी कैसे आ गए? दिमाग खराब, ऐसी कोई शादी होती है? दिमाग खराब हो जाए ना खाने ना पीना। ये कोई शादी है बताइए? ना खाने के इंतजाम और ना पीने के इंतजाम, बताइए। अकेले मुंडे का ऐसा कोई ब्याह करता है? ऐसे तो मुंडे का मुंडन भी नहीं करते हैं लोग, जैसे शादी कर दी। बताइए, पीपी सिंह जी को पता है तुम्हारे और गिनी के अफेयर के बारे में? नहीं। टाइम ओवर मैडम। ठीक है चंदन, अभी मैं चलती हूँ, कल फिर आऊंगी, हम यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है? नहीं बताऊंगी पीपी सिंह जी को, नहीं बताऊंगी तुम्हारे और गिनी के अफेयर के बारे में। वो तो तुम्हारी पर्सनल लाइफ है चंदन, और मेरे लिए सिर्फ ये केस इंपॉर्टेंट है, ठीक है?
चले। मैडम जी, मिल ली ने लड़के से, अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि लड़का एकदम जेन्युइन है। अरे पड़ोसी है हमारे, बचपन से देखा मैंने, लड़का हीरा है हीरा। अब मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ इस लड़के ने आज तक तो किसी भी लड़की को इतू से भी टच नहीं किया होगा। बीबी सिंह जी, फिलहाल चलते हैं, चंदन को छुड़ाने के लिए बहुत सारे काम करने बाकी है। हाँ वो तो है, चलो। ओके मैडम, ओके पीपी सिंह जी, मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। पीपी सिंह जी, मैं भी यहीं उतर जाती हूँ, मुझे यहाँ पास में कुछ काम है, मैं आपसे कल मिलती हूँ। ओके मैडम जी, आप तो बस केस की तैयारी करो, हमें तो बस कैसे भी करके चंदन को छुड़वाना है। मैं भी जा रहा हूँ जरा प्रोफेसर साहब के पास, थोड़ी देर बैठता हूँ, वो क्या है बहुत टेंशन में है वो। थैंक यू। सानी, वेट अ मिनट। चल मैं मानती हूँ, चंदन और गिनी की जो लव स्टोरी है, उसका रेप के एलिगेशन से क्या कनेक्शन? आपको बता दिया चंदन ने गिन्नी के बारे में? मैम, वैसे इनकी लव स्टोरी का कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ सारी प्रॉब्लम शुरू उस लव स्टोरी से ही हुई थी। क्या है ना मैडम, चंदन को प्रॉब्लम थी थोड़ा, अरे वही जेंट्स वाली प्रॉब्लम। पर इस पूरी दुनिया में ले दे के उसके पास एक ही बंदा था जो उसकी हेल्प कर सकता था। कौन? मैं मैडम, मैं एक्सपर्ट हूँ मैडम। आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो मेरे को। अरे बंदे को लव गुरु ऐसे ही थोड़ी ना कहते हैं मैडम। तो हुआ यू, वेट अ मिनट, कंटिन्यू। चंदन बहुत सैड था क्योंकि उससे ना हो ही नहीं पा रहा था, समझ रही ना आप मैडम। तो जैसे ही मैं उस दिन उसकी छत पे जाता हूँ, देखा कि ओ भाई क्या कर रहा है, सुसाइड तो नहीं करने वाला ना? मन तो वही कर रहा है पर हिम्मत नहीं हो रही। वैसे भी क्या फायदा, यहां से अगर कूद भी गया तो मरेगा नहीं, सिर्फ हड्डी टूटेगी तेरी। चल देख मैं क्या लाऊं तेरे लिए। ओ तू पीता तो है नहीं, तू तो संत आदमी है ना। देख चंदन, होता है भाई, होता है, लेकिन हर प्रॉब्लम का सलूशन भी होता है। और मुझे जहां तक लगता है ना, बात यहां फीलिंग की नहीं, क्योंकि जैसा तू बता रहा है तूने फील तो किया ही था उस दिन, है ना। तो मुझे लगता है जो असली प्रॉब्लम है ना वो बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल समझता है ना तू? तू मुझे बायोलॉजी पढ़ाएगा? इतने बुरे दिन भी नहीं आए मेरे। अरे मेरे पढ़ाकू भाई, फिजिकल बात कर रहा हूँ, दिमाग की नहीं, शरीर की, समझा? इसीलिए बायोलॉजी वर्ड यूज कर दिया मेरे बाप। तुझे ना अब ट्रीटमेंट की जरूरत है यार, ट्रीटमेंट की। यार सन्नी तो हर बार प्रॉब्लम बताता है, अब सॉल्यूशन बता। सॉल्यूशन तेरा भाई देगा। दवाई चाहिए तुमको? हाँ? अबे इस उम्र में दवाई चाहिए तुमको? अरे ये सब बर्गर पिज्जा और कोका का कमाल है। अरे बच्चे कुछ अच्छा खाते नहीं है? और फिर ताकत कहाँ से आएगी बताइए है? देखो बेटा ऐसा है कि दवाई तुम्हें ऐसे ही नहीं मिलेगी, पर्ची लिखवा कर लानी पड़ेगी, वो भी डॉक्टर से। आई समझ में? हाँ, वरना मुंह उठाकर ऐसा ही कोई दवाई लेने चले जाए और हम बांटते रहे
तो भैया हमारे देश की आबादी 200 करोड़ हो जाएगी देखते ही देखते हैं। पर्ची बनवा के लाओ जाओ। अंकल जी दे दीजिए ना प्लीज। क्या है ना, आप ही हमारे लिए डॉक्टर हो, आप ही हमारे लिए केमिस्ट हो, आप ही सब कुछ हो। अरे आप भगवान हो भगवान। हम आपको डबल पैसा दे देंगे। जब बेटा तुमने हमारी इतनी तारीफ कर ही दी है, हमें भगवान बनाई दिया, तो तुम्हारी मदद हम जरूर करेंगे। लेकिन बेटा डबल में नहीं हो पाएगा, ट्रिपल लगेगा। ट्रिपल पैसा कहो तो दू, नहीं तो बहुत बढ़िया, समझदार है बेटा, समझदार हो। ये लो। चंदन की प्रॉब्लम का सलूशन तो मिल गया था, लेकिन अब उससे बड़ी प्रॉब्लम उसका वेट कर रही थी। चंदन को गिन्नी नहीं मिल रही थी, लेकिन हमारा चंदन भी कम उचक नहीं रहा था। उसको दवाई जो मिल गई थी, पर गिन्नी उसको सॉलिड वाला इग्नोर कर रही थी, सॉलिड वाला। भैया 500 रुपए आपके पास। 500 रुपए क्यों? वो क्या है ना, आपके लिए 5 वाली फाड़ न्यूज़ है, वो भी आप ही के मतलब की। थोड़ी जेब ढीली करो, अभी के अभी बता देते। बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ है भैया, सुनोगे तो हिल जाओगे। एक सेकंड, कितने की न्यूज़ है, क्या रेट, कितना कैश चाहिए? साले पैसे लेकर 21 साल के लौटे हो गए हो, और न्यूज के लिए तुमको पैसा चाहिए? कलयुस बोल अब। भैया देखो ऐसा है, छोटा भाई उसका ये मतलब नहीं, बिना पैसे लिए न्यूज बता देंगे। अपना काम है न्यूज देना, इसका मतलब पैसे लेना। मेहनत लगती है भैया। और क्या? हाँ बालू बोल, कितने पैसे लेगा? एक मिनट चंदन, अब यहाँ कोई पैसे की बात नहीं होगी, समझे? और सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। सॉरी भैया। न्यूज बताओ। हाँ बताते हैं, सेंटी बता ना। भैया वो आपकी जीएफ है ना, गिनी बका। गिनी? उसका क्या हुआ गिनी को? उसका चक्कर चल रहा है, न्यू बॉयफ्रेंड। कौन, किससे? वो तो नहीं पता भैया, लेकिन ना बंदा रोज बुलेट पे आता है, हॉर्न मारता है, हॉर्न सुनते गिनी बाहर आती है, फिर उसे एक लंबी सी स्माइल देती है। भैया कुछ इशारेबाजी होती है दोनों के बीच में, और डिटेल्स पता लगानी है, उसके लिए फंड चाहिए, मतलब पीस। फंड चाहिए, पीस चाहिए ना। तुम साले अब निकल लो साले, नहीं तो जाते हैं, दोबारा यहाँ दिखना मत। हाँ हाँ चंदन सुन यार। भाई चंदन, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है लफ्ती फील्ड में, अगर अब तूने जल्दी कुछ नहीं किया ना, तो लड़की भाग जाएगी। अब वक्त आ गया है, ये खा और जल्दी जाके किसी भी तरह उससे मिल। और ध्यान रखियो, दवा का असर सिर्फ
एक घंटे तक ही रहता है। पक्का? यार। लेकिन सनी, लेके कहाँ जाऊंगा? यार कहीं भी ले जाना, टेरेस पे ले जा। ओह नो यार सनी, आज टेरेस पे पापा ने योगा क्लास लगवा रखी है और स्पेशली टीचर बुलाया बाहर से। यार तेरी जिंदगी में ना प्रॉब्लम भी तो बड़ी है। अंकल जी को आज ही अनुलोम विलोम करना था, सोचने दे। ओ तेरी तेरी कार यार, वैसे भी घर के किनारे में खड़ी रहती है। ओ भाई जो मजा कार में आता है ना यार, भाई वो बेड पे भी नहीं आता। पक्का? यस। नो यार सनी, कार की चाबी तो है नहीं मेरे पास, अब क्या करूं? और अब तो मैंने दवाई भी खा ली है। एक ही है क्या चाबी? चाबी तो दो है, एक मेरे पास रहती है, एक पापा के पास। ओ नो यार सनी, पापा तो इस टाइम क्लास ले रहे होंगे, अब क्या होगा? तू टेंशन मत ले, तू गिन्नी के पास जा, चाबी मैं ले आऊंगा। पर कैसे लेके आएगा तू? यार तू बहुत अंडर एस्टिमेट करता है यार मेरे टैलेंट। बोल दिया ना ले आऊंगा तो ले आऊंगा। पक्का ना? तू गिन्नी के पास जा, दवाई का काउंटडाउन भी चल रहा है। ठीक है। चल। गिन्नी, मैं गिन्नी गिन्नी बग्गा, अगर जिंदगी में तुमने मुझसे कभी एक सेकंड के लिए भी प्यार किया है तो अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो। अभी इसी वक्त। लेकिन बताओ लेके कहाँ जाओगे? बताऊंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। क्या हुआ? कुछ हुआ? आप बड़ा इंटरेस्ट ले रही हैं मैडम। खैर मुझे अब कहीं जाना है, मुझे लेट हो रहा है। आगे का किस्सा आपको चंदन खुद ही बताएगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि अभी उसकी कहानी में बहुत से ट्विस्ट आने बाकी हैं। मैं चलता हूं मैडम। उस दिन सनी के जाने के बाद गिनी के साथ कार में क्या हुआ? अगर कुछ हो ही जाता तो आज मैं यहां नहीं होता। दवाई भी काम नहीं आई मैम। उस दिन भी वही हुआ जो पिछले 3 महीनों से हो रहा था, या फिर यूं कहिए कि मैं उस दिन भी कुछ नहीं कर पाया। मुझे उस दिन किन्नी की आंखों में एक अलग सा गुस्सा नजर आया। किन्नी मुझसे पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। ओए पैसे भी दे दिया कर, कभी कभी फोकट में खाता रहता है। रखा है खा नहीं रहे, ले जूस पी। अरे कुछ खाएगा पिएगा नहीं, ताकत कहां से आएगी? और ताकत नहीं आएगी पढ़ाएगा कैसे? पीपी जी, वैसे ताकत ना सिर्फ पढ़ाने में ही नहीं यूज होती, और चीजों में भी लगनी होती है ताकत, समझे? तुम
बीच में ही मत किया कर है? अब बच्चा टेंशन में है और तू दांत निपोड़ रहा है। मुझे बता क्या तकलीफ क्या है, कोई प्रॉब्लम है? और पीपी सिंह है ना है? और बता बेटे क्या प्रॉब्लम है बता। रैंड पीपी सिंह जी, आपको बताने लायक प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर बता दिया ना तो प्रॉब्लम और बढ़ जानी है। इतना प्यारा बच्चा, हे प्रभु, अरे जो मांगता है दे क्यों नहीं देते बच्चे को? भाई वैसे एक बात है, नाक चला लो गाड़ी घोड़ा, लेकिन लड़कियां जो है वो सिर्फ बुलेट वाले पे ही भरती है। तम होता है बुलेट चलाने वालों में, तम समझा। और गाड़ी का क्या है, कभी स्टार्ट हुई तो कभी नहीं हुई, धक्का मारो। मुझे पता था कि वो मेरे बारे में बात कर रहे थे। बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, लेकिन उनकी बातों से ज्यादा मुझे इस बात का बुरा लगा कि मुझमें सच में प्रॉब्लम थी। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके बारे में मैं किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकता था सिवाय सन्नी के, और वो इडियट मेरी कुछ खास हेल्प कर नहीं पा रहा था। अब तो मेरे घर वालों को भी लगने लगा था कि मैं अजीब सा बिहेव कर रहा हूँ। चंदन, कल तुमने मैथ्स की क्लास नहीं ली? चंदन, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। हाँ पापा। आजकल तुम क्लास नहीं ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं है पापा। वो एक्चुअली मैं एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हूँ ना, इसीलिए एक दो क्लासेस मिस हो गई हैं। एक सेकेंड। हेलो। हाँ बोल भाई। पार्टी कब देगा ये बता। पार्टी? किस बात की पार्टी? यार तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी मैंने, ढूंढ दिया सलूशन। भाई पार्टी तो जहाँ लेनी है वहाँ ले लेना, पहले बता कि सलूशन क्या है। भाई कल शाम 7 बजे मिलते हैं, और हाँ अपनी कार पे आई हो यार। मेरी बाइक खराब है, हमें 8 बजे तक वहाँ पहुँचना भी है। पहुँचना कहाँ है सन्नी, ये तो बता। यार सब्र रख, ये सरप्राइज का पैकेट मैं वहाँ पहुँच कर ही खोलूंगा। तू बस ये समझ कि तेरे भाई ने सारी टेंशन दूर कर दी। ठीक। यार सनी, तू कहाँ अजीब सी जगह लेके आ गया। अजीब? बेटा थैंक्स बोलेगा थैंक्स। तुझे मेरा वो कजन याद है पॉपी? वो गिट्टू? हाँ वही वही। उसको भी तेरी जैसी ही प्रॉब्लम थी, उसने भी यहीं से इलाज कराया था। अब जाके पॉपी से मिल। यहाँ क्या कोई डॉक्टर बैठते हैं? अरे डॉक्टर नहीं बाबा, वर्जिन बाबा, वर्जिनों के मसीहा, उन्हीं का ठिकाना है ये। यार सनी, जो खुद ही वर्जिन है वो मेरी हेल्प क्या करेंगे? यार वही तो बात है, उन्होंने आज तक अपनी पावर, अपनी शक्तियों का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। पूछो क्यों? क्यों? ताकि वो तुझ जैसे, अरे मेरा मतलब है वर्जिनों को अपनी पावर ट्रांसफर कर सके, समझा? चल, वो मैथ्स में तूने पढ़ा है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, अरे वही समझ जा। चंदन मैंने तुझसे पहले ही बोला है, सोचा मत कर, भेजा भेजा। यार पप्पी को भी इन्हीं बाबा ने ठीक किया है, जल्दी चल नहीं तो बाबा चले जाएंगे। चल चल चल। हवाओं ने बतलाया है ये
मुझको समझाया कौन है कमजोर यहाँ? ये मुझको दिखलाया है तू कमजोर है। मैं नहीं बाबा, ये कमजोर नहीं है। जो अपनी कमजोरियों को पहचान जाता है वो कमजोर नहीं रहता, शक्तिशाली बन जाता है। और ये अपनी कमजोरियों को पहचान चुका है ना? ए? 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 हाँ बाबा, अब बस आपको एक सॉल्यूशन बता दो। कुछ बोलना नहीं, अपना मुंह खोलना नहीं। मिल गया सॉल्यूशन, मिल गया, बहुत आसान, वेरी वेरी इजी। हाथ हटा दे बच्चा, पावर ट्रांसफर कर रहा हूँ। पावर ट्रांसफर हो गई है, आंखें खोलो बच्चा। अब तो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुन, पावर हमने तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर दी है, लेकिन उसका इस्तेमाल तुम तभी कर पाओगे जब वो एक्टिवेट हो जाएंगी। यार तू कैसे समझ गया भाई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। बाबा जी, पावर एक्टिवेट कैसे होगी, थोड़ा डिटेल में बताइए ना। पावर हमने चंदन के अंदर स्थापित कर दी है, लेकिन उसका इस्तेमाल उसे पहली बार उस स्त्री के साथ करना होगा जिसे वो जानता नहीं हो, अर्थात किसी अनजान स्त्री के साथ। लेकिन बाबा जी, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को पिछले 20 सालों से जानता हूँ, उसके साथ नहीं कर पाया तो अनजान स्त्री के साथ क्या खाक करूंगा। मूर्ख वाला, पावर पर भरोसा रख, पावर पर, समझा? बाबा जी एक बात पूछूं? पूछो बेटा। चंदन की अगर पावर एक बार एक्टिवेट हो गई तो ऐसा तो नहीं है ना कि बार बार किसी अनजान के पास जाना होगा रीएक्टिवेट कराने के लिए? ये कोई सिम कार्ड थोड़ी ना है बेटा, इसे बार बार एक्टिवेट करना पड़े। एक बार एक्टिवेट हो गया, हमेशा के लिए आ गई, तो मतलब हो गया, समझे? लेकिन वो स्त्री कोई अनजान होनी चाहिए, समझे? जाओ जीत कराओ। तो 15 अक्टूबर की रात को तुम वर्जिन बाबा से मिले थे, राइट? यस मैम। तो अब हमें ये पता लगाना होगा कि वर्जिन बाबा से मिलने के बाद क्या हुआ। सोच समझ के बताना चंदन कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। वही जो मेरे और सन्नी के बीच हर दूसरे दिन होती है, लड़ाई। फंसा दिया यार इस वर्जिन बाबा ने। पॉपी कमीने ने ऐसा कुछ बताया ही नहीं था यार कि बाबा पावर ट्रांसफर करने के बाद ऐसी कंडीशन लगा देंगे। अब कौन होगी वो अनजान स्त्री जिसके कोई साथ? नहीं, पूरे दिल्ली में ऐसी कोई अनजान स्त्री है नहीं जो मेरे साथ। और ये ना लड़कियों के साथ करने वाला ना एक अलग टाइप का टैलेंट होता है जो मुझ में बिल्कुल नहीं है। पता नहीं कहां से ढूंढूं अनजान स्त्री को। भाई तू टेंशन मत ले, अब तू भी टैलेंटेड बन चुका है, वर्जिन बाबा ने पावर ट्रांसफर कर दी है। अरे घंटा पावर ट्रांसफर कर दिया भाई, एक आइडिया है। बक मेरी वो पहाड़गंज वाली बंदी है ना जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था। हाँ तो एक काम करते हैं, मैं उसको फोन करता हूँ, बोलता हूँ कि मैं आ रहा हूँ तुझसे मिलने, लेकिन एक शर्त पे, जब मैं आऊँ तो रूम की लाइट बंद रखियो। मैं कुछ समझा नहीं, मतलब? मतलब लाइट बंद होगी तो तू चला जाइयो, तेरे लिए तो वो अनजानी हुई ना, कर लियो जो करना है। अरे तू पागल हो गया क्या भाई, दोस्ती में कुर्बानी देनी पड़ती है। ओ हेलो भाई, हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, नहीं चाहिए आपकी कुर्बानी, कोई ढंग का आइडिया तो बताओ। ओ तेरी हुस्न गली, हुस्न गली, अब ये क्या है? अरे यार इतना शरीफ मत बन भाई, हुस्न गली जहाँ पे यही सब काम होता है यार, और सोच वहां की सारी लड़कियां तुझसे अनजान होंगी, पैसा दो और काम करो। यार सनी एक बात बता, तूने मुझे समझ के क्या रखा है? मैं हुस्न गली जैसी गंदी जगह जाके तू पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया? तो फिर मर साले, जाने दे गिन्नी को किसी और के साथ,
तू कहता है ना कि तू सीरियस है गिनने के साथ, तो फिर ये छोटी सी चीज नहीं कर सकता? ये छोटी सी चीज है तो पागल हो गया है क्या? मेरे ना लाइफ के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं। ओ भाई प्रिंसिपल, गुड इवनिंग, बहुत हो गया तेरा नाटक। मैं जा रहा हूं तिजिंदर की बर्थडे पे, तुझे हुस्न कली जाना है जा, नहीं जाना है मत जा। लेकिन ध्यान रख, अगर अब तूने कुछ नहीं किया ना, वो लड़की तेरे हाथ से निकल जाएगी। पालू बता रहा था मुझे, तो बुलेट वाला लड़का गिन्नी को साथ में ले जाएगा। बस अल मैम, मैं कुछ भी कर सकता था, लेकिन ऐसी हुस्न गली जैसी जगह मैं कभी नहीं जा सकता। मैं ऐसा लड़का नहीं हूं मैम। मैं आपसे एक बात पूछूं मैम, आपको क्या लगता है मेरे बारे में? क्या मैं वाकई किसी का रेप कर सकता हूं? अगर ऐसा लगता तो मैं यहां नहीं होती। मैं यहां हूं इसका मतलब है कि आई बिलीव यू। लेकिन सिर्फ मेरे बिलीव करने से कुछ नहीं होगा चंदन। आई हैव टू प्रूव माई बिलीव इन द कोर्ट। और ये जो इंस्पेक्टर खान है ना, ही इज नॉट दैट सिंपल। प्रेशर है इस पे ऊपर से इस केस को क्लोज करने का। ये अपनी पूरी जान लगा देगा चंदन ये प्रूव करने के लिए कि ये क्राइम तुमने ही किया है। इसलिए चंदन, मेरे लिए तुम्हारी केस की हर एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल जानना भी बहुत जरूरी है। तो बता, उस रात सनी के जाने के बाद तुम कहां गए थे? क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड्स में यह क्लियर है कि उस शाम से ही तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था और उसके बाद तुम्हारी लोकेशन की कोई ट्रैकिंग नहीं है। सनी के जाने के बाद मैंने अपना फोन गुस्से में तालाब में फेंक दिया था और अपनी कार में बैठकर सीधा अपने घर आ गया। घर आया तो मम्मी पापा सो चुके थे। मैं सीधा अपने रूम में चला गया और फिर अगले दो तीन दिन रूम से बाहर ही नहीं निकला। ना तो हिम्मत हुई ना ही मन। फिर कुछ दिन के बाद डोरबेल बजी। इंस्पेक्टर साहब, आप? हम दिल्ली पुलिस से हैं, एक क्राइम से रिलेटेड बात करनी है। कार नंबर 9698 आपकी है? जी हाँ, क्यों, क्या बात हो गई? देखिए, मामला सीरियस है। कार नंबर 9698 में एक फॉरेनर लड़की के साथ क्राइम हुआ है। कैसा क्राइम? रेप। रेप हुआ है सर। लेकिन सर जी, लेकिन हमें नहीं पता। दिल्ली की सारी गाड़ियाँ जिनका नंबर 9698 है उनके ओनर्स को थाने आना पड़ेगा। थाने? अरे मेरी गाड़ी तो हमेशा पीछे खड़ी रहती है, उस गाड़ी को हम ज्यादा यूज भी नहीं करते हैं। वो सब हमें नहीं पता है। कल 12 बजे आप कमल नगर थाने आ जाओ। और क्राइम का क्या है सर, क्राइम तो आजकल खड़ी गाड़ी में भी हो जाता है। अरे क्या हुआ? और देखना था लेकिन सीन बीच में ही कट हो गया। कोई बात नहीं, बस सब्सक्राइब करो उल्लू और देखो पूरा एपिसोड बिना कटे, यानी बिल्कुल वैसा जैसा आप चाहते हैं। सो सब्सक्राइब नाउ, जस्ट क्लिक एंड वॉच।